स्वराय नरकार्णव तारणा करणामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भूमि से बाहर बहुत कम मिलता है, लेकिन आज आप लोगों ने वैसे तो मुझे 9-10 दिन हो गए भारत छोड़े, पर फिर भी आपने पुनः भारत में वापस पहुंचा दिया। अब हमारे यहाँ जब कोई गुरुजन आते हैं या कोई अतिथि भी आते हैं, जिसे हम अतिथि कहते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं, तो हमारे यहाँ कहते अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? बोले साक्षात देवता ही मानना चाहिए, चाहे हम उसे जानते अथवा उसे नहीं जानते। और अतिथि को देखकर जिनके मन में थोड़ी उदासी आ जाए, परेशान हो जाए, तो समझना चाहिए कि हम सदग्रस्त नहीं है। जब हम किसी को नमन करते, नमस्कार करते, स्वागत करते, आदर करते, उस समय हमें बदले में उनसे जो दुआएं मिलती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है हृदय से, जिभ्या से नहीं, हृदय से, वही हमारी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, वो सीढ़ी है हमारी सफलता की, जो आशीर्वाद उनके हृदय से मिला। आज हम लोगों का सौभाग्य देखिए, आज यहाँ पर विद्वान ब्राह्मण भी विराजमान है, पूज्य संत स्वामी जी महाराज भी विराजमान है, और फिर हम भी आए हैं। और हम यहाँ वहां से तो आए नहीं है, चाहे बाया ही आए हैं, पर आए तो वृंदावन से ही है, ब्रज से ही आए हैं। श्रावण में शिव महापुराण अगर आपको सुनने को मिल रहा है, तो आप निश्चित ये समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ ने आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का निर्णय किया है। ये स्वयं शिव का निर्णय है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, स्वामी कैसा हो, सेवक कैसा हो, गृहस्थी कैसा हो, तिलक क्यों लगाएं, भस्म क्यों लगाएं, रुद्राक्ष क्यों धारण करें, से पर अभिषेक क्यों करें, और किस वस्तु से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, कितने पार्थिव का निर्माण करने से क्या मिलता है, ये सारी चीजें शिव पुराण में विस्तार से वर्णन की गई है।
अगर हम उनमें से चार पांच बातें भी सीख लेंगे, चार पांच बातें, हम विश्वास से कहते हैं आज जहां हो उससे कम से कम पांच कदम और आगे निकल जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। जब आप सत्संग में आके बैठते हैं तो आपको पता चलता है व्हाट इज द रॉन्ग व्हाट इज द गुड, गलत क्या है और सही क्या है, और वही हमें सीखने की आवश्यकता है। और वही सिर्फ हमें नहीं, आपको तो आता ही होगा, आपके बच्चों को सीखने की आवश्यकता है। चढ़ाए मणि कुंडल मंडिता।